क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज माता कलीसिया पवित्र तीत्व का पर्व मनाती है। पवित्र तीत्व के बारे में हम जब सुनते हैं या जानते हैं तो हमारे विश्वास का एक आधार है, क्योंकि हम देखते हैं, हम कोई भी प्रार्थना बोलते हैं सबसे पहले हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर प्रार्थना बोलते हैं। और जो भी हमारी प्रार्थना होने के बाद या हमारे कार्य होने के बाद हमारे जो कार्य को समाप्त करते हैं, फिर उस प्रार्थना द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन करके हम हमारा कार्य को समाप्त करते हैं। तो हमारे विश्वास का जो आधार है वो पवित्र तत्व ईश्वर है। हमें जब हम छोटे थे तो हमें धर्म ज्ञान में सिखाया गया था कि एक ही ईश्वर है और उनमें तीन जन है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। अलग अलग इंसान है लेकिन एक ही ईश्वर है, और यही हमें सिखाया गया है। आज के जो पहले पाठ में जो कि विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है, वहां हमें बताया गया है कि जो ईश्वर है वह शक्तिशाली ईश्वर है। उन्होंने इस अद्भुत सृष्टि की रचना की, इस सुंदर सृष्टि की रचना की, और साथ ही महान चमत्कार द्वारा उन्होंने इज़राइल को बचाया। और इसीलिए कहा जाता है कि एक ही ईश्वर है जो कि शक्तिशाली ईश्वर है। आज के जो दूसरे पाठ में जो कि रोमियो के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र से लिया गया है, वहां पर हमें पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है। पवित्र आत्मा जो हमसे बाहर या अलग नहीं है, वह हमारे भीतर है, हमारे पास में है। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो हमारा शरीर है वह पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह पवित्र आत्मा हमें निवास करता है। जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित है उनके जीवन में ईश्वर कार्य करता है, और उस कार्य द्वारा महान अनुभव लोग करते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अंतिम संदेश अपने शिष्यों को देते हैं। वे कहते हैं कि मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला, और इसलिए तुम संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर लोगों को बपतिस्मा दो। इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। तो क्रिसमस में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, यह पवित्र तीत्व का जो पर्व है, यह हमारे लिए ईश्वर को जानने और प्रार्थना करने का एक सुंदर अवसर है। हाँ, यह रहस्य हम ऐसे श्रमिक दिमाग वाले इस चीज को नहीं समझ सकते कि ये एक ही तीन अलग अलग व्यक्ति एक ईश्वर में कैसे हो सकते, हम इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। सन अगस्तीन के बारे में हम सुनते हैं, बहुत सुंदर कहानी उनके बारे में बताई जाती है कि वह 3 साल से पढ़ाई कर रहे थे, इस पवित्र तत्व को जानने की कोशिश कर रहे थे। और एक दिन ऐसे ही जानने की कोशिश में, मनन चिंतन में वह टहलते टहलते समुद्र के किनारे जाते हैं। जब वहां पर जाते तो एक बच्चे को वहां पर देखते हैं जो कि समुद्र के पास में गड्ढा करके वो पूरा समुद्र का पानी उसमें डालने की कोशिश करता है। और जब सन अगस्तीन उसके पास जाते हैं, उसे पूछते तुम क्या कर रहे हो बेटा, तो वो कहता है कि मैं पूरा समुद्र का पानी इस गड्ढे में डाल रहा हूं। तो उन्हें आश्चर्य होता है, कहता है कि बेटा ये तो अद्भुत, इतना बड़ा विशाल समुद्र है, आप कैसे समुद्र का पानी इस गड्ढे में डाल सकते हो। तो बच्चा जो रहता है वो कहता है कि आप ही वही चीज कर रहे हैं जो आप इस ईश्वर के त्रिएक ईश्वर के बारे में उन्हें किस प्रकार इस श्रणिक दिमाग में डाल सकते हो, उससे समझ सकते हो, वह अपने दिमाग के परे यह रहस्य आप नहीं जान सकते। हाँ, क्रिसमस में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, यह जो हम पवित्र तत्व के बारे में बात करते हैं, हमारे हमारे दिमाग के या हमारे जानने के परे हम नहीं समझ सकते, फिर भी हमारा विश्वास है कि एक व्यक्ति में तीन जन है, एक ही ईश्वर है। यह हमें सिखाता है, पवित्र तत्व यह सिखाता है कि एकता के बारे में, तीनों व्यक्ति अलग ही अलग कार्य करते हैं, भले एक ही ईश्वर है, तो हमें एकता के बारे में बताता है। तो हमें चाहिए क्रिसमस में मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, हम इस रहस्य को जानने की कोशिश करें। सबसे पहले हमारा सबसे प्रथम कार्य बनता है कि हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास से सभी कार्य पूर्ण होते हैं। तो हमें हम विश्वास के साथ माता कलीसिया ये सिखाती है कि हमें पवित्र तत्व पर विश्वास रखना चाहिए। तो विशेष रूप से प्रार्थना करें इस पर्व को मनाते हुए कि हम भी अपने जीवन में अपने जीवन को बदलें, पवित्र तत्व को जानने की कोशिश करें, अपना जो पूर्ण संपूर्ण जीवन है ईश्वर को समर्पित करें, अपना विश्वास ईश्वर में रखें, ताकि जो ईश्वर ने कार्य जो जिम्मेदारी हम सभी को दी है कि तुम भी संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, क्योंकि मैं अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ।
हाँ तो ईश्वर में विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम अपने जीवन द्वारा, अपने जो रहन सहन द्वारा हम आपके विश्व अपने आपके सुसमाचार की घोषणा करें और विश्वास करें कि आप अंत संसार के अंत तक हमारे साथ रहेंगे। तो आइए इस मतलब के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें।